है सोमनाथ। सो हे गाइज, वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। और आज फाइनली वो दिन आ चुका है, अब जा रहे हैं अपने गांव। और देखो पैकिंग वैकिंग एकदम सब कुछ है, राहुल मम्मी सारे के सारे जो बैग हमारे पैक हो चुके हैं, तो निकलते हैं अब अपने दरबार अपने गांव। सो गाइज, पहले लगाते हैं अपना पारंपरिक टीका और उसके बाद चलते हैं गाड़ी में। और गाड़ी आ चुकी है, हम पहुंच चुके हैं अपने नवीन भाई की गाड़ी में। ये अपने नवीन भाई और मेरा ही ब्लॉग चल रहा है आगे, रवि भाई भी है साथ में और मम्मी साथ में, मम्मी राहुल चाचा साथ में है। और अपन चल दिए अब गाँव की तरफ, दिखा दो तुम्हें रात का नजारा, रात का नजारा दिखाऊंगा बहुत मस्त। मतलब पहले जा रहे हैं संगम में यार, चाचा को भी उठाना है वहाँ से, तो चाचा भी आएंगे, चाचा भी साथ में रहेंगे, चाचा चाचा और तारा, तो मजा आने वाला है आज फुल ब्लॉग में। सो गाइस, फाइनली तारा वो सारे आ चुके हैं और ये देखो तारा चाची चाचा। तो गाइस बहुत मजा आने वाले हैं आज के इस ब्लॉग में। और ये सभी खाना खा के आ चुके हैं, हमें बताया नहीं, हमारे लिए खाना लेके नहीं आए, बताया था बताया नहीं था, बट स्टिल ये खाना खा के आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, हम कहीं रुकेंगे और खाना वहीं खाएंगे और आपको आगे का सफर दिखाते हैं, बहुत मजा आने वाले इस ब्लॉग में। तो हम चले दिल्ली टू उत्तराखंड और बहुत मजा आने वाले इस बार। तारा कैसा रहेगा सफर? मजा आने वाला चाचा जी, एक्साइटेड एक्साइटेड सभी, मतलब फुल ऑन जोश और फुल ऑन मस्त है, फुल एंजॉय करेंगे। सभी मतलब कुरकुरे पेट भरेंगे, पहले तो पेट भरेंगे, पेट नहीं भरेगा पहले पेट भरेंगे, जो खाते जाएंगे खाते पानी वाले। तो आगे आपको लेके चलते हैं और आगे ना सारी चीजें दिखाने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें होती है और पूरा उत्तराखंड का टूर कराने वाले इस बार। मैं नहीं सोने वाला, तारा बोली सोने के लिए, मैं नहीं सोऊंगा इस बार। तो चलते हैं आगे, खाते हैं सारी सारी चीजें। सो गाइस, हम टाइम हो चुका है 1 बज गया और लोकेशन से अभी कौन से ढाबे पे पहुंचे, देखो ढाबा ये रहा, बहुत ही मस्त, अभी खाना खाएंगे और भूख भी लगे, 1 बज गया। अच्छा अच्छा राहुल भाई, देखो ये कुछ सारे सारे उत्तराखंड की जितनी गाड़ियाँ होती है ना, शोली अपनी यही रहती है यार, हमारी गाड़ी ये रही, अपन की गाड़ी ये रही, मम्मी वो तो अंदर ही है, मम्मी भी नहीं आ रहे बाहर, उनको खाना ना कुछ नहीं खाना, कुछ लोग खाएंगे स्पेशल वाला, देखते हैं आगे क्या। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए और यहाँ पे ढाबा डाल नींद भी आ रही है बहुत, सुबह से कुछ खाया तो नहीं है, 1 बज चुका है। सो गाइस, हमने मंगाया दाल मखनी और रोटी, तो मजे आएंगे काफ़ी यार रोटी और दाल मखनी में, मैं तो दाल मखनी खाता हूँ हमेशा। सो गाइस, अपन का डिनर हो चुका है डन और अपने दो बोतल स्लाइस के लिए मम्मी और चार बोतल लिए, वैसे चार बोतल लिया ना, तो मम्मी वो तो खाना उनको खाएंगे तो उनको ये खिला देता हूँ और फिर आगे की खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। सो चलते हैं आगे अब। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं रामनगर और टाइम हो चुका है 4 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं रामनगर, तो अभी चाय वाय पी जा रहे, ठंड लग रही है, अब तो ठंड हो रही है, सभी चाय पी रहे, देखो ये चाय को टच नहीं करती, देखो चाय पी रही है, मन नहीं की भैया कुछ और बोल रहे हैं, सो सो 4 बजे की चाय भाई, मजा ही आ गया, ओ भाई फुल फुल ए बन मक्खन भैया, बन मक्खन पूछा नहीं सार रहा, टेस्ट हो रहा है Get away.
गाइज हम पहुंच चुके हैं घट्टी पे और यहाँ पे ना पहाड़ों के बीचों बीच में हमारे घर ऊपर की तरफ, हम ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे ना ये रायता वायता यहाँ पे बहुत रायता सबसे बेस्ट यहाँ पे बनाती है दीदी, तो बहुत बेस्ट रायता मिलता है यहाँ पे। मैं दिखाता आपको रायता, देखो यहाँ और हम भी अभी ट्राई करेंगे, देखो एक बार आप भी ट्राई करें जरूर। हाँ एक बार आप भी आए, अभी मम्मी उनको भी यही खिलाना है, मम्मी को सबसे बेस्ट लगता है। ठंड लग रही भयंकर वाली। अच्छा मैं स्वेटर लेके आएगा, स्वेटर जैकेट लेके आता हूँ, बट मैंने विंटर पहने, मेरी हालत से खराब हो रही है, क्या होता हूँ। जगह देखो, ये देखो ये जगह है, यहाँ से देखो पहाड़ी पहाड़ है पूरी पूरी। इससे ऊपर जाना है हमें, ये रास्ता ना इससे ऊपर जाना है हमें, और ये सबसे बेस नीचे यहाँ से स्टार्ट होगा। रायता कैसा हो रहा है तुम्हें? और चाहिए आई खंड जगह, आई खंड जगह और भी सफर अभी थोड़ा बहुत और रह गया, पता है 2 घंटे में पहुंच जाएगा, मुझ बोली 2 घंटे में घर पहुंच जाएगा, 6 बजे 8 या 9 बजे पहुंच, मतलब 12 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से। भाई आगे दिखाते हैं, बहुत मस्त मस्त चीजें दिखाने वाला हूँ आपको, चलो लेके चलता हूँ। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं रानीखेत में, और रानीखेत में मैं तो यहाँ से पहले जाऊँगा दीदी के वहाँ पे, उसके बाद वहाँ से जाऊँगा घर, पहले दीदी के वहाँ दिखाता हूँ, रानीखेत में रहती दीदी तो वहाँ दिखाता हूँ। अभी आज पिलाते मिठाई ले रहे हैं, ये देखो मैं पहुंच चुका हूं अपनी दीदी के वहां पे, और बहुत ही मजा आ रहा है यहां पे यार। यहां पे ना संतरे के पेड़ वेड़ सब लगा रखे हैं दीदी ने, देखो ये, और दीदी मेरी ये रही। फ्रेश हो जाओ तो फटाफट, उसके बाद चाय की चूस के लेंगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर थोड़ा काम काम करके फिर निकलेंगे घर को। तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ना, दीदी ने बहुत मस्त दिखाता हूँ, देखो देखो यहाँ संतरे की खेती होती है पूरी, देखो संतरे ये मजा आया। फाइनली गांव पहुंच चुके हैं यार, अब यहाँ से 3 घंटे का रास्ता और है मेरे घर, तो अभी हम रानीखेत में, उसके बाद घर चलो। हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में ना बस का भी वेट कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी कुछ भली नहीं, बैठे हैं मैं जो भी बैठे पूरा सन्नाटा सर का, देखो कुछ भी नहीं है। सो गाइस हम पहुँचे हैं यार, खाना अभी तक खाया नहीं है, तो आज हम खा रहे हैं छोले विथ गाँव के छोले, और क्या बोलते हैं टिक्की मिक्स, और मजा आएंगे अभी खा रहे हैं। यार वहाँ से ना गाड़ी भी नहीं मिली, तो बहुत लेट हो गया था, अभी काम भी हो गया यहाँ पे अपना, तो इसके बाद अभी चलते हैं घर को, पहले दीदी के वहाँ उसके बाद चलते हैं। अब हमारी चाय की चुस्की है,